अभी जो भी हमारी बात चल रही थी ना, मेरे को बहुत शॉक फील हुआ कि आप गॉड के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। मेरे को तो कभी ऐसा लगा नहीं कि आप, मुझे लगा आप एथिस्ट है, राइट? आप किसी गॉड के कॉन्सेप्ट को या नेचुरल फिनोमेना जो व्हाट यू कॉल जस्टिफाई करता हो कि देर इज अ गॉड, राइट? तो ये मुझे कभी पता नहीं था, अभी आप बोल रहे तो मेरे को शॉक हो रहा है। असल में जो क्रिएटर गॉड या खालिक की जो बात है, वो कॉन्सेप्ट अपना अपना रहता है, वो सेल्फ रहता है। मैंने ऐसा बताया है कि मेरा जो बिलीव है या मेरा जो मानना है वो ये है आज के पीरियड में, कि एक छोटी सर की मिसाल ये मोबाइल है। ये मोबाइल मेरे हाथ में आ गया तो मैं ये कहता हूँ कि ये किसी ने बनाया होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये किसने बनाया है, उसका नाम क्या है, वो कैसा दिखता है, कैसे खुश होता है, कैसे नाराज़ होता है, ये मैं नहीं जानता है और जानना भी नहीं चाहता। इसको मैं बेवकूफ़ी समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये मोबाइल जिसने भी बनाया है मेरे पास आ गया है, अब मैं इसको अच्छे से यूज़ करूँ, इससे खुद भी फ़ायदा उठाऊँ और दूसरों को भी क्या फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ इसके बारे में सोचूँ। इसको रिचार्ज करूँ, इसकी चार्जिंग करूँ, इसको मेंटेन करूं अच्छे से। उसी तरह से आप बड़ी मिसाल ले लो कि ये यूनिवर्स है, मेरे सामने आ गई है बनी बनाई, तो मैं इसको अच्छे से यूज़ करूं, क्योंकि इससे मैं बेनिफिट उठा रहा हूं और अच्छे से बेनिफिट उठाऊं और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में सोचूँ, ना कि इसके बारे में कि कितनी अच्छी बनी है, क्या किसने बनाया होगा, उसका नाम क्या होगा, उसको किस नाम से पुकारूँ, उसकी कैसी तारीफ़ करूँ। ये सब पागलपन है। बनाया, मैं कहता हूँ किसी ने भी बनाया हो, हमको मिला है ना, हमने उससे फ़ायदा उठाया, तो और फ़ायदा उठाओ और लोगों को भी फ़ायदा उठाने दो, इसको ख़राब मत करो। अब इसके अंदर फंक्शन है, इसके अंदर फंक्शन है कि बहुत इसकी लंबी बात हो सकती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वक्त थोड़ा में बाद बता दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर क्या है। मेरे नज़दीक मेरा ओपिनियन है कि भाई खालिक है, कोई भी खालिक है, उसकी ये तख्लीक है, तो हम खालिक को इतना जानने के पीछे पड़े और तख्लीक से फ़ायदा उठाने के लिए, फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्यों पीछे नहीं पड़े हैं, क्यों उसके हाथों के उसके पीछे पड़े? वो कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कैसे खुश होगा, उसकी बनाई हुई चीज़ को अच्छे से यूज़ करो, खुश हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आने वाले वक्तों में पता चल ही जाएगा कि ये कैसे वजूद में आई, क्यों वजूद में आई, कब वजूद में आएंगे आने वाले वक्त। आज हमें जो गलत तरीक़ों से हमने एक अकीदा घड़ा है क्रिएटर का, और बिला वजह के घड़ा, उससे तुम्हारी तरक्की नहीं होने वाली है। एक झाड़ दिन में ऑक्सीजन देता है, रात में कार्बन देता है, दूसरा एक है 24 ऑक्सीजन देता है 24 आवर्स। हमें उसकी ऐसी बातों को जानना है और उनसे फ़ायदा उठाना है, लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाना है, ना कि वो झाड़ किसने बनाया, उसका नाम क्या होगा, उससे कैसे खुश होगा, उसकी कैसी तारीफ़ करूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसकी वजह से लोग मुझे एथिस्ट कहते हैं, तो मुझे परवाह नहीं है, लोग कहते रहे। ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया। मैं समझता हूँ कि आगे और बात मैं करूँगा, इससे पहले कर चुका हूँ मेरी संडे गैदरिंग यूट्यूब चैनल पर, आपने सुने होंगे। जी